वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और WWE 2K22 के वीडियो में। और भाई आज से हम सारे गेम्स वापस खेलने वाले हैं, आपको पता ही है क्योंकि रोनाल्डो वर्सेस मेसी मैंने खेल लिया है। और अभी आज से सारे गेम्स हम वापस शुरू करेंगे, जैसे कि स्पाइडर मैन हो या जो भी हो, ठीक है, माफिया, GTA सब खेलूँगा मैं, मॉर्टल कॉम्बैट। तो हाल फिलहाल मैं अभी खेलूँगा एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा हार रहा हूँ आजकल। पर आज इसलिए दोस्तों मैं रोमन रिंग्स को लेके खेलने वाला हूँ, क्योंकि रोमन का सबसे ज़्यादा ओवरऑल है गेम के अंदर, तो शायद मैं रोमन से जीत सकूँ। यार इन्होंने तो हालत ही ख़राब करके रखी है मेरी। रोमन रिंग्स कम ऑन। रोमन के सारे बड़े बड़े ओपोनेंट्स को हम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएंगे ब्रॉक लेस्नर, और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को भी ले लेता हूँ। दूसरा सेट लूँ क्या दोस्तों, क्या कहते हो? ये लेते हैं रसलमेनिया वाला सेट। और अपने किसको लिया जाए? गोल्डबर्ग, ठीक है, गोल्डबर्ग, जॉन सीना, केविन ओवंस को नहीं लेता क्योंकि मैंने पहले भी केविन ओवंस को ले लिया था, जॉन सीना। और एक लास्ट में मैं सोच रहा हूँ रोमन रिंग्स के लिए एज, स्पीयर वर्सेस स्पीयर, गोल्डबर्ग भी रहेंगे और ये भी, तो अच्छा मैच रहेगा ये। चलो भाई एलिमिनेशन का अरिना, एलिमिनेशन चेंबर, 30 सेकंड में आ जाना अंदर सभी लोग, और तीन तीन फिनिशर हमेशा की तरह। चलो दोस्तों शुरू किया जाए मैच। और मुझे नहीं पता भाई कि मैं जीतने वाला हूँ कि नहीं, क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ कि मैं जीतूँगा तभी मेरी फट के हाथ में आ जाती है और मैं हार जाता हूँ बड़ी बुरी तरीके से। तो शायद आज जीत सकूँ। आज भाई सबसे ज़्यादा ओवरऑल वाले सुपरस्टार को लिया है, तो यार थोड़ा सा इज्जत बचा लेना मेरा प्लीज़। और ये लोड होने में टाइम ले रहा था, पर लोड हो जाएगा। चलो मॉड्स है ना यार, इतने सारे मॉड्स है, सभी मॉड है, बस गोल्डबर्ग नॉर्मल है, यानी कि गेम वाले गोल्डबर्ग है, बाकी सभी मॉड्स ही है भाई। चलो, और दोस्तों अगर आपने रॉयल रंबल का प्रेडिक्शन प्लेलिस्ट नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दिया है, जाके देख लेना। शुरू किया है जॉन सीना ने, देख रहे हो भाई, शुरू होते कांड। जॉन सीना ने बहुत ही गंदा वाला हरकत किया मेरे साथ, स्टार्टिंग में ही पूरा उम्मीद ही तोड़ दिया मेरा कि मैं रोमन को लेके भी जीत सकता हूँ। बहुत बढ़िया जॉन सीना। कौन आ रहा है भाई? भाई पर इतना जल्दी क्यों ए दे दिया सीना? स्पीयर वर्सेस स्पीयर, एज द रेटेड आर सुपरस्टार, जॉन सीना रोमन लड़ो, सॉरी जॉन सीना और एज लड़ो। वैसे भी बहुत हिस्ट्री है रोमन एज और सीना का, वी द वंस। तो बड़े ही बेरहमी से मुझे जॉन सीना ने ए मार दिया था, पर मुझे रिकवर करना है। कौन आ रहा है भाई? गोल्डबर्ग, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। ये लो गोल्डबर्ग, आपका स्वागत यूरेनागी से किया जाए। तुम लोग लड़ो एज और सीना। हाँ बहुत बढ़िया, एज स्पीयर दे दे, खत्म कर दे मामला आज। स्पीयर पड़ा, मेरे पास एक तो रेजिलेंसी भी नहीं है, पता नहीं मेरे पास कौन सा एबिलिटी है। एक और स्पीयर भाई, अरे भाई सीना बच गए, मूव थी फिर मेरे पास। अपना काम कर, रज मैंने मेरा शिकार ढूंढ लिया है, देख रहे हो भैया गुस्सा आता है, मैं एक को मार रहा हूँ तो दूसरा क्यों अपनी आ रहा है। सेट फ्रिकिंग प्रॉब्लम पे आ गया। तो दोस्तों 6 के 6 सुपरस्टार आ चुके हैं, और मेरा पाला किसके साथ पड़ने वाला है? कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा। ओ जॉन सीना को पकड़ता हूँ मैं जाकर, जॉन सीना का हेल्थ वैसे भी बहुत कम है। हाँ जॉन सीना, मूव थी फाबी ने दूंगा मैं, सीना को एलिमिनेट किया जाए।
चलो सीना सुपरमैन पंच देता हूँ आपको और एलिमिनेट ये पड़ा। अरे भाई सुपरमैन पंच छीन लिया। अरे कुछ दिख नहीं रहा यार। अरे रिंग के अंदर लेके चले गए। ब्रॉक लेसनर देख रहे हो भाई सबसे खतरनाक इंसान है चेंबर के अंदर। पहले गोल्डबर्ग को एफआई दिया, जॉन सीना को भी एफआई दिया था, अभी देखो एज के पीछे पड़ गए। आ जाओ सीना, हम लोग का अधूरा काम यहाँ पर पूरा किया जाए। यूरनागी। अरे भाई ब्रॉक के पास कितना फिनिशर है भाई। एज का लगता है टाटा हो गया। वन टू। अरे कितना किकआउट करते भाई ये लोग। ब्रॉक लेसनर के पास। चलो फाइनली सब सिग्नेचर फिनिशर खत्म हो गया। ब्रॉक ने सभी को पेल दिया भाई। गोल्डबर्ग लगता है एलिमिनेट हो गए। अहो रिवर्स आरकेओ भाई देख रहे हो। गोल्डबर्ग भी आरकेओ दे रहे। रेंडी ऑटन से ट्रेनिंग लिया है ना ऑटन। सीना का घंटा बज गया भाई। सीना के पास दो फिनिशर है, मुझे बच के रहना है। ये बात चलो सीना को स्टंट कर दिया मैंने। स्पीयर सीना को चेंबर तोड़ दिया मैंने। स्पीयर भाई एच एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी जॉन सीना को भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि मैंने चेंबर तोड़ा यार। और सीना का हेल्थ आप देख सकते हो। एज और सीना का टाटा हो गया लगता है। वो देखो भाई सेट को गोल्डबर्ग और ब्रॉक दोनों मिलकर मार रहे। अरे सॉरी यार। अरे ये सीना उठ कैसे गए। अरे ब्रॉक पागल है क्या भाई। मैंने जॉन सीना को इतना बड़ा मूव मारा, कुछ हुआ ही नहीं जॉन सीना को यार। ये तो बाहर आके अपना खड़ा हो गया। ब्रॉक लेसनर को एक फिनिशर देना चाहिए मेरे को, वरना ब्रॉक ना यही चाहता था। ब्रॉक लेसनर के पास बहुत हेल्थ है, सबसे ज्यादा हेल्थ है ब्रॉक के पास। जॉन सीना को मैं टैप आउट करा सकता हूँ। टैप करो जॉन सीना सर टैप। भीड़ खाली किया जाए रिंग के अंदर। नाइस चलो जॉन सीना का टाटा हो गया। सेट का भी हो सकता है। अरे तकले रेफरी वहां पर देख। ब्रॉक तो भाई पीछे से वार करने के लिए रेडी थे। सुप्लेक्स सिटी नहीं। अरे यार यस ये बात स्टैंडिंग गिलिटिन। ब्रॉक 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 एक बार ब्रॉक को कर दो ना एलिमिनेट, मेरा काम हो जाएगा। नहीं यार ब्रॉक नहीं होने वाला। पिनफॉल करके देखता हूं। वन टू। अरे भाई ए गोल्डबर्ग मुझे अगर कुछ भी मारा ना याद रख। ब्रॉक को भी मैंने दे दिया स्लीपर होल्ड। अरे नहीं होने वाला यार छोड़ देता हूँ। टकले वहां पर देख। गोल्डबर्ग बाहर निकल सकते हैं। अरे स्पीयर प्लीज ब्रॉक लेसनर अभी तो निकल जा। वन टू। और अरे क्या आदमी है। अरे क्या आदमी है भाई। ए सेट पिनफॉल कर रहा था के देख रहा भाई। सेट मुझे फिनिशर दे रहा था। गोल्डबर्ग को पेडिग्री दिया। गोल्डबर्ग का पिनफॉल कर यार। ब्रॉक लेसनर कितना मार खाएगा यार। थोड़ा स्टाइल मारता हूँ यार पसीना आ गए। ब्रॉक लेसनर के पास अच्छी बात है फिनिशर नहीं, वरना मैं कब का पील जाता। चलो लगता है गोल्डबर्ग का टाटा हो चुका है। गुड बाय गोल्डबर्ग। खून भी निकल गया सेट ने। अरे ये लोग बाहर क्यों नहीं निकलते।
वो कितना मार खाएगा भाई। नहीं नहीं ब्रॉक सॉरी ब्रॉक ब्रॉक सॉरी भाई। ब्रॉक लेसनर के पास है सुप्लेक्सिटी यानी कि सिग्नेचर है। ब्रॉक से पंगा कर दिया मैंने तो अभी पीछे नहीं हटूंगा। पंगा किया है तो खुजली भी मची है मेरे अंग में। प्लीज 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 ब्रॉक वन टू माँ कसम ये क्या आदमी है। अरे क्या अभी का क्या करूं मैं भाई। माँ कसम ये कैसे हो रहा है ऐसा ही नहीं। अरे टकले रेफरी जल्दी गिर यार वन। अरे भाई मैं मर जाऊंगा कसम से इसको एलिमिनेट कर करके भाई। मैं छोड़ रहा हूं मैं हार मानता हूं। वो सेट का हेल्थ इतना था वो एलिमिनेट हो गया गोल्डबग। हाँ ब्रॉक को मार प्लीज यार मैं थक गया। ब्रॉक को मार मार के कसम से यार कितना फिनिशर कितना सिग्नेचर मारू भाई। ब्रॉक आदमी है या कौन है भाई। भाई इतना तो कौन भी नहीं मार खाता यार। देख रहे हो एफआई मार रहा था अभी। अरे गोल्डबर्ग जल्दी से सिग्नेचर मारिए ना सर। हाँ ये बात सिग्नेचर मारिए टकले हट जा। नाइस प्लीज पिनफॉल कीजिए सर आपके ऊपर ही नाम जाएगा आपको अवार्ड मिलेगा। माँ कसम भाई ऐसा लग रहा है मैंने कुछ अचीव कर लिया है। चलो दोस्तों फाइनली लगता है मैंने मेरा स्ट्रिक तोड़ दिया है। चलो पनौती नहीं लगूंगा मैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई एक स्पीयर यहाँ से मारना पड़ेगा मेरे को। नाइस एक गिलिटिन और शायद मैं जीत गया हूँ। कमॉन रोमन को लेके मैंने खेला था चेंबर जीतने के लिए और मैं जीत चुका हूँ दोस्तों। हारने का स्ट्रिक खत्म होता है यहाँ पर। ब्रॉक ने माँ कसम दिमाग की इजी दिमाग की पूरी दही लगा दी थी। कुछ भी बोला मैं क्या बोलूँ यार फैमिली स्ट्रीम है कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले जॉन सीना ने मैच शुरू होते मुझे ए दिया था और मुझे लगा था मेरा पत्ता कट हो चुका है पर नहीं मैंने हिम्मत दिखाई और ब्रॉक के साथ पंगा किया पर आखिर तक ब्रॉक को मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया। ब्रॉक को कितना मारा मैंने यार। रोमन रेंस एक्नॉलेज कीजिए यार। फाइनली दोस्तों एक दो साल बाद मैंने चेंबर का स्ट्रिक तोड़ दिया। कब से हार रहा था फाइनली जीतने लगा हूं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो रोमन को लेके खेला और जीता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट ठीक है। अपना ध्यान रखो बाय बाय।